दोस्तों दिल्ली विखे एक सिख आटो ड्राइवर ते उसके बेटे दे नाल दिल्ली पुलिस वालों की गई बेरहमी दे नाल कुटमार का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेंदा जा रहा है। उत्थे ही पूरी दुनिया दे विच वसदे हुए सिखां वालों इस घटना की बहुत सख्त शब्दों दे विच निखेधी की जा रही है। जदों दिल्ली पुलिस ने अपना बचाव करते हुए यह तर्क सामने रखा कि सिख ने उन्होंने सामने कृपाण कढ़ी तो पूरी सिख संगत ने इस गल का विरोध करते हुए इस तर्क नूं खारज करते हुए यह गल सामने रखी कि दसमेस पिता ने सिखां नूं शस्त्र इस करके ही दिते हैं कि जेकर कोई तुहाडे ते जुल्म करता है तो उसका डट के मुकाबला करो, क्योंकि जिथे जुल्म करना पाप है उत्थे ही जुल्म नूं सहना उस तो भी वड्डा पाप है। पर हुण सोशल मीडिया से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिथे एक सिख ने ही इस दिल्ली दे विच पीड़ित सिख की विरोधता करते हुए अपने कुछ तर्क सामने रखे। आओ हुण तुहाडे नाल शेयर करते हैं वायरल हो रही वीडियो। बाकी तुसी इस वायरल हो रही वीडियो दे नाल सहमत हो या फिर नहीं, इस बारे अपने विचार कमेंट करके जरूर दसना। सुनिया कि किसी पीड़ित के बच्चे ने, किसी पीड़ित के बाप ने, किसी आप पीड़ित ने, किसी की माँ ने, किसी नेता से, पुलिस कोर्ट से, कचहरिया से कितने कृपान कढ़ी हो जहाजा के जा सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पता कि सिख जिम्मेदार आदमी है, वो हथियार होगा भी फिर भी साढ़े कोई आने डरता नहीं। यही हथियार जो किसी मुसलमान को, हिंदू कोई को अगले ने डरना क्या बंदा क्यों खड़ा कृपान लैके, पर उन्होंने पता कि जो सिख को है तो वह नजायज नहीं काम करेगा। गल क्यों कर रहे हैं, कल दिल्ली के एक काम होया, पुलिस वाले ने किसी सिख ड्राइवर को रोकया, उस सिख ड्राइवर का काम नहीं सी कृपान कढ़ने का, हादरी वाला काम नहीं किया, ये सानू बदनाम करने वाला काम है। कृपान कढ़ के रस्ते दे विच तुसी पुलिस वाले दे मगर दौड़ रहे हो, मैनू तुसी दसो अमृतधारी बंदा जे पुलिस पंजाब दे विच भी नहीं मैं देखिया कि कोई अमृतधारी बंदा कितने पुलिसिए ने रोकया होवे, तां उस अमृतधारी बंदे ने कितने कृपान कढ़ के पुलिस वाले दे मगर दौड़ी होवे। अगले ने यार कढ़ कढ़ भूतर बना देना पंजाब पुलिस ने।